अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो यार काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ यार, उसके लिए माजरत। और दोस्तों ये कुछ पिजोन कबूतर हमारे यहाँ पर हैं सेटअप पर, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत। दो पिजोन, दो कबूतर, एक मेल है और दूसरा फीमेल है। और दोस्तों ये हमारे मुर्गे हैं, और ये मुर्गी, ये ब्लैक वाली हमारी मुर्गी, और ये कासनी मुर्गा। आपको पता ही है अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो। तो दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गर्मी काफ़ी हो रही है, आप देख सकते हैं धूप। तो दोस्तों काफ़ी गर्मी है, तो हम इस गर्मी में अपने मुर्गों को और मुर्गियों को कैसे बचाएं गर्मी से, जो हमें मुंह खोलकर सांस ना लें। आप देख सकते हैं बिल्कुल रिलैक्स है हमारा मुर्गा भी और हमारी मुर्गी भी, कुछ मुँह खोल कर सांस नहीं ले रहा है, और धूप काफ़ी पड़ रही है तगड़ी। दोस्तों सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, पानी 24 घंटे अपने मुर्गों को देना है, सही है दोस्तों। लेकिन 24 घंटे आपने पानी इस तरीके से नहीं देना कि भाई सुबह को पानी डाल दिया, अब 24 घंटे वही पानी पड़ा। सबसे पहले आपने सुबह को पानी रखना है, और फिर उस पानी को दोपहर में 12 बजे के या 1 बजे के टाइम में चेंज कर देना है, फिर दूसरा पानी रखना। और दोस्तों फिर आपने शाम के टाइम यानी 6 बजे के करीब में फिर से साफ पानी रखना है, वो पानी फेंक कर फिर साफ पानी रख देना, फिर सुबह में रखना है। सबसे पहला काम तो दोस्तों आपको यह करना है, अगर आपको अपनी मुर्गों को, मुर्गियों को या चूजों को गर्मी से बचाना है, पानी 24 घंटे देना पड़ेगा। और दोस्तों दूसरा काम है हमारा ये, दोस्तों ये है मट्टी, ये आप देख सकते हैं मट्टी। दोस्तों इस मट्टी पे आपने दिन में 2 टाइम पानी छिड़कना है, एक टाइम छिड़कना दोस्तों आपने दोपहर में 12 बजे के टाइम, और दूसरी दफ़ा छिड़कना 3 बजे के टाइम। तो दोस्तों दोपहर तो मैंने इस पर छिड़क दिया था, अब तीन बजे वाला पानी मैं इस पर छिड़क रहा हूँ। तीन बजने वाले हैं कुछ ही देर है, ढाई ढाई से ज़्यादा बज गए, 2:45 बज रहे हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर अब मैं पानी छिड़कता हूँ, और मुर्गे देखना आप कितने मज़े से इसमें खेलते हैं हमारे। दोस्तों फिलहाल मैं पहले ईंट यहाँ पर लगा देता हूँ, और अब इसके अंदर मैं पानी छिड़कता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। क्योंकि दोस्तों एक हाथ में फ़ोन है मेरे, और दूसरा हाथ से पानी तो नहीं छिड़का जाने का, दो हाथ से छिड़कता जाता है पानी। तो दोस्तों मैं पहले पानी छिड़क लेता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपने पानी छिड़क लेना है पूरी मट्टी के ऊपर, सारी मट्टी के ऊपर कुछ इस तरीके से पानी छिड़क लो। और दोस्तों अब मैं आपको मुर्गे को कर कर इधर दिखाता हूँ, वे कितने मज़े से इसके अंदर खेलते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा मुर्गा और मुर्गी वहाँ पर चले गए, और अब इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद ये मट्टी में खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों अभी तो ये मट्टी में नहीं नहा रहे। दोस्तों अगर आपके मुर्गे और मुर्गी ये दो काम करने के बाद भी रिलैक्स ना हो गर्मी में, तो दोस्तों फिर आपको एक काम और करना है। अगर आपने पानी भी आप 24 घंटे दे रहे हैं, और मट्टी भी आपने प्रोवाइड कर रखी है अपने मुर्गों को या मुर्गियों को, और दोस्तों अगर आपके पास मट्टी ना हो तो आप रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें भी। और दोस्तों आपने तीसरा काम ये करना है अपने मुर्गों और मुर्गी के साथ, अगर मैं मुँह खोल कर सांस ले रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये फुहारा लेना है जो नाई के पास होता है, जिससे हम बाल कटवाते हैं, इसके अंदर पानी भर लेना है, और मुर्गे के मुँह पर, मुर्गे के परों के नीचे को, मुर्गों के पूँछ के नीचे वहाँ पर आपने पानी मारना है। इससे ये मैं आपको अभी कर कर दिखा देता हूँ, इससे आपका मुर्गा और मुर्गी बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, कुछ मसला नहीं होगा इससे। तो आपने पानी मार लेना है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो मैं आपको सिर्फ इसी तरीके से पानी मार कर दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप इस तरीके से पानी मार दें मुर्गे के मुँह पर को, उसे पकड़ कर, और मुर्गों के पर के नीचे को, तो मुर्गा काफ़ी रिलैक्स रहेगा। और मुर्गे को बस आपने समझ लो गीला कर लेना है उसके परों के नीचे से और उसे ऊपर से। और दोस्तों सबसे आखिरी काम आपने ये करना है, आपने अपने मुर्गों को जब रात को बंद करना तो पिंजरे के अंदर बंद करना है, हवा वाली जगहों पर रखना, और पिंजरे को यानी कुछ ऐसा केज हो जाली वाला, इस केज में आपने अपने मुर्गों को बंद करना और उसे हवा में रखना। अगर आपके पास केज नहीं है, इस तरीके की पेटी है, तो वो भी चलेगी, लेकिन हवा वाली जगह होनी चाहिए ताकि मुर्गा रिलैक्स रहे। और अगर आपके पास ऐसी पेटी है तो उसके अंदर मट्टी बिछा दो, और मट्टी के अंदर जरा सा था पानी छिड़क दें रात को जब आप उन्हें बंद करें, तो आपके मुर्गे रिलैक्स रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अभी 3 से 4 वीडियो इंशाल्लाह मैं गर्मी के हवाले से ही बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको गर्मी के लिए, गर्मी से अपने मुर्गों को बचाना है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो लाल कलर का बटन है इसे दबा दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।